गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिजली का कौन सा पर्याय नहीं है इसमें, बताओ भैया कौन सा नहीं है। सोचा थोड़ा सा, देखो तड़ित होता है, विद्युत होता है, दाम नहीं होता। सलिल किसका होता है? पानी का। पानी के और पर्यायवाची क्या होते हैं? तोय बारे अम्बु नीर जल, याद रख लेना, ठीक है। और ये बिजली का बहिनी भी होता है, क्या होता है? बहिनी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है गहरा। गहरा का विलोम क्या होगा? छिछला। गहरा होता है बहुत ज़्यादा अंदर, छिछला होता है ऊपर 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 से। नेक्स्ट, पोशाक का पर्यायवाची कौन सा नहीं? पोशाक का परिधान लिवास बसन होगा। कच्छप किसका होता है? कच्छप तो कछुआ का होता है ना, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, हंसपद चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिन्ह, देखो ब्राह्म चिन्ह की संख्या 20, किसने बताई बताओ? कामता प्रसाद गुरु जी ने, ठीक है। 19 इंग्लिश का, एक हिंदी का। हिंदी का कौन सा है? पूर्ण विराम। देखो इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे लगता है, इंग्लिश में ऐसे लगता है, हिंदी में ऐसे लगता है, ऐसे भी निकाल लेंगे। हंसपद कहाँ लगता है? जहाँ त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, गलती सुधारने के लिए। उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है? इस तरीके से, ठीक है। और बड़े अंश को संक्षिप्त में लिखने के लिए क्या करते हैं आप लोग, बताना। आंसर हो जाएगा इसका ए। ये पाद बिंदु होता है, ये याद रखना। ये उपविराम होता है, ये अल्पविराम होता है सबसे ज़्यादा हिंदी में, ये अर्धविराम होता है। नेक्स्ट, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य बताना है इसमें कौन सा सरल वाक्य होता है। एक उद्देश्य एक विधेय, देखो और अन्यथा तो, ये तो जोड़ने वाले काम आ रहे हैं ना, ये तो मिश्र है, तो ये है। आंसर हो जाएगा सी। सरल कौन सा हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि इसमें कोई ना तो ये तो संयुक्त है ना इसमें मिश्र है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। सुनाया करती थी मतलब क्रिया हो गया, ये क्या हो गया? क्रिया। आंसर हो जाएगा डी। सुनाया करती थी आ रहा है ना, करना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बताना कौन सा पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताओ, देखो जंगल में, जंगल अच्छा है, शरीर अच्छा है, किरण अच्छी है, लता अच्छी है, झोंपड़ी अच्छी है, ये तीनों क्या पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक। सॉरी, ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। और नित्य पुल्लिंग कौन से रहते हैं? होश, प्राण, ये बहुत पूछे जाते हैं नित्य पुल्लिंग वाले, दर्शन, आंसू, ठीक है। नित्य स्त्री, नित्य सॉरी, ये नित्य बहुवचन रहते हैं, नित्य एक वचन बताता हूँ, ठीक है। जनता, याद रख लेना बस, जनता याद रख लेना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब ये बताना है कि ऐसा कौन सा है जो मैं ऊपर बता रहा था ना, आंसू, हमेशा बहुवचन में ही आएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हम लोग धीरे धीरे हावड़ा की ओर आ रहे थे, क्रिया का काल बताना है। आ रहे थे मतलब रहे किस में आता है? अपूर्ण में। था किस में आता है? भूत में। तो आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत। भूतकाल होता है 6 प्रकार का। हेतु मत होता है जहाँ एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करे। आसन में है आता है, इसमें चुका था वगैरह आता है पूर्ण भूतकाल में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें से कौन किसका लिंग किसका नहीं बदलेगा? मोटर का नहीं बदलेगा, जादूगर का जादूगर नहीं, स्त्री का पुरुष, माँ का हो जाएगा बाप। आंसर हो जाएगा बी, इसका लिंग नहीं बदलेगा मोटर का। मोटर ही नहीं होगा क्या नहीं होगा? मोटर ही। लघुत्तर, लघुधन उत्तर। देखो एक चीज़ याद रखो, संधि में ना अगर कुछ समझ में ना आए ना, तो एक चीज़ देख लेना कि सही बर्तनी कहाँ लिखी हुई है। जहाँ सही बर्तनी होगी ना, तो वही बिल्कुल सही हो। उत्तर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो ये तो दो काट दो। लघु होगा, छोटा होगी मात्रा, ये लघु, ये लघुधन उत्तर। आंसर हो जाएगा ये। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि शब्द में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, समधंधि। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट बताना है इसमें कौन सा, कोई भी पद प्रधान किसमें नहीं होता? तो ये नहीं होता द्वंद, इसे ये नहीं होता बहुबरी में। बहुबरी में अन्य पद प्रधान होता है, याद रखो। द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद में और क्या होता है? योजक चिन्ह होता है हल्का सा, इसे थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अव्यय भाव में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा या दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। दो प्रकार का होता है समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या आता है बताओ? समानाधिकरण में कारक किसमें आते हैं, समानाधिकरण में या व्याधिकरण में? ये आप बताओगे, ठीक है। आप बताना, समानाधिकरण में आते हैं कारक या व्याधिकरण में? और कर्मधारय और द्विगु किस में आते हैं, ठीक है। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं शब्द के पीछे?
या शब्द के अंत में। दो प्रकार के होते हैं कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। इसे थोड़ा अपडेट कर लेना पहले अगर और कुछ बताया तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो विषैला में ना क्या आएगा, ये यहाँ दो मात्रा है ना, तो जब एक मात्रा, एक की मात्रा होती है एक और ए की मात्रा आई की मात्रा होती है दो, ये इसमें दिक्कत है। आंसर है डी। नेक्स्ट इसमें बताना है इंद्र का कौन सा पर्यावाची नहीं, पुरंदर, शक्र, सचिपति, मनोज, मनमत, कामदेव, अनंग, और ये सब किसके आंसर हो जाएगा डी, ये सब कामदेव के पर्यावाची। नेक्स्ट इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य इस तरीके। उम्मीदवार, उम्मीदवार दो बार माँ आएगा, माँ हाथ में आता है, इसमें बड़ा माँ आएगा ठीक है। प्रज्वलित में ना एक आधा जा आता है बस, उज्ज्वल में आते हैं दो। दुर्वस्था होता है, क्या होता है, दुर्वस्था, दुरा नहीं होता, मैथिली होता है, ये सही है। अनधिकार, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति में ना शाह आधा बना के दे देता है, वो गलत होता है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखो जो मांस खाता हो उसे सामिस कहते हैं, निरामिस कौन सा होता है, जो क्या खाता हो, फल वगैरह खाता हो या जो मांसाहारी ना हो, ऐसे याद रखो। मांस वगैरह ना एक लिमिट का खा सकते हो, और जिस फल वगैरह तो निरा खा सकते हो, निरा मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ट्रिक अच्छी लगी तो बताना, ऐसे याद करा दिया करो। हमेशा रहने वाला शाश्वत, युद्ध की इच्छा, युद्ध सा मरने की इच्छा, मुमूर्सा, मुमूर्सा बहुत पूछा जाता है, इसकी बर्तनी भी शुद्ध देख लेना। नेक्स्ट किस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वक्ता के हूबहू लिखने में किया जाता है, तो हूबहू किसको लिखने में किया जाता है बताओ, ये किया जाता है अवतरण चिन्ह ठीक है। अब विवरण तो इस तरीके से देते हैं, लोप इस तरीके से देते हैं, जैसे मैं ऐसे बताऊँ डॉक्टर लिख दिया ठीक है। लाघव क्या होता है, लाघव चिन्ह, एक सेकंड, लाघव चिन्ह होता है इस तरीके से छोटा कर देते हैं। लोप बताना आप लोग क्या होता है, लोप वाला मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ठीक है। आंसर इसका याद कर लो सी है। नेक्स्ट उपविराम किसे कहते हैं, उपविराम है ये वाला, ये वाला क्या है अर्धविराम, ये क्या है अल्पविराम, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें बताना है कौन सा विलोम बताना है, तत्सम क्या है अग्नि, तद्भव क्या है, देखो देशज क्या है, देशज देख लो इसमें से, या तद्भव देख लो, पहले का चार है ही, देखो पहले का चार का, ये तो देखो तीन में दे रखा है ठीक है। तद्भव है इसमें सुअर, क्या है सुअर ठीक, तो आंसर हो जाएगा ये। तीसरे रुको मैंने थोड़ा सा, तद्भव कौन सा, तांबुल है सॉरी, और देशज है इसमें सुअर, देशज कौन सा है सुअर ठीक है, और विदेशज क्या है सिलसिला, विदेशज है सिलसिला, दोबारा बता देता हूँ, विदेशज क्या है इसमें सिलसिला, तत्सम क्या है अग्नि, तद्भव क्या है इसमें बताओ, तद्भव है इसमें तांबुल, और देशज कौन सा है इसमें सुअर, इस तरीके से मिलाओ, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है आपको, तत्सम तो याद हो ही जाएगा अग्नि, मगर उससे तो निकल नहीं रहा है, मगर विदेशज से निकल सकता है, विदेशज अगर आपको पता हो तो, मगर विदेश में भी यहाँ पर फंसा हुआ, यहाँ तो आप लोग क्या याद रख लो, तद्भव वाला याद रख लो, तद्भव का क्या होता है तांबुल होता है, तद्भव तांबुल क्या होता है तद्भव, सुअर देसी सुअर ऐसे याद रख लो, देसी सुअर। नेक्स्ट तत्सम शब्द बताना है, तो देखो हमेशा याद रखो छ त्र ज्ञ श्र ये हमेशा क्या होते हैं तत्सम होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं ठीक है। रेफ वाला आ जाए तो ये भी क्या होता है तत्सम होता है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा ए। कपड़ा का क्या होता है करपट, कपाट किसका होता है किवाड़ का, आंसर हो जाएगा ए। या किसमें आता है तत्सम में, यजमान का क्या बन जाता है जजमान तद्भव में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इसमें से बताना है कौन सा सही है, कौन सा विकल्प गलत बताना है। देखो छा का क्या बन जाता है तद्भव में, खा बन जाता है, तो मक्षिका का मच्छर नहीं बनेगा मक्खी बनेगा, क्या बनेगा मक्खी, यही है। नेक्स्ट इसमें से तद्भव बताना है कौन सा है, तो लवंग तद्भव नहीं है, लवंग थोड़ी ना बोलते हो आप घर पे, क्या बोलते हो लौंग ले आओ ठीक है। हल्दी हरिद्रा का बनता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इसमें से बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो देखो देशभक्तों को बड़ी बड़ी देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो देखो कर्म के साथ आता है को, और कर्म हमेशा क्या होना चाहिए सजीव कर्म होगा तब तो को आएगा, नहीं तो को नहीं आएगा। यातनाएं क्या है सजीव है नहीं है, तो यातनाओं को नहीं आएगा, यातनाएं सहते हैं देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बताया लिख लेना इसे, आंसर हो जाएगा डी
सजीव आए तो को लगाना, निर्जीव आए ना तो और कुछ चेंज कर देना, तो यातनाओं आ जाएगा, ठीक है, यातनाएं आ जाएगा, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है अकर्मक कौन सी है। देखो लड़ाना, कोई और कोई लड़ा रहा है, जगना, दौड़वाना और कोई दौड़वा रहा है, भगाना और कोई भगा रहा है, जगना ये खुद से हो रहा है तो ये अकर्मक है, बाकी और कोई जब कुछ काम करवाता है ना तो वो जैसे ऐसे समझो घड़ा बूंद बूंद भरता है तो ये क्या हो जाएगी अकर्मक, मैं घड़े को भरता हूँ तो ये क्या हो जाएगा फिर सकर्मक, आंसर हो जाएगा इसमें बी। जब कोई अपने आप काम होता है तो अकर्मक, और कोई करवाता है तो क्या हो जाता है सकर्मक, या कोई प्रेरणा दे के करवाता है, प्रेरणा अर्थक क्रिया भी किसमें आती है सकर्मक, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, गूलर का फूल मुहावरे क्या होते हैं, अरबी भाषा के होते हैं, और क्या होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ना आता है इनके पीछे, वाक्यांश होते हैं, याद रखो इतना। तो गूलर का फूल होता मतलब होता है कम दिखना, गूलर पर बहुत कम फूल आते हैं ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, अनायास उपसर्ग बताना, उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, और उपसर्ग का सूत्र होता है प्रादुर्यह, याद रखना, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं ये भी याद रखना, उर्दू के 19। अन धन आयास अनायास, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मनहधन विज्ञान, मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है बताओ, ग्रीक। शाम वाली वीडियो देखा करो CDP की, सच बता रहा हूँ उससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकती कोई, अगर कोई भी तैयारी कर रहा है टीचिंग की, तो आंसर हो जाएगा बी मनहधन विज्ञान। नेक्स्ट, इसमें बताना है निपात का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो मैं नहीं है, मैं क्या है सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार का होते हैं, भेद हैं सर्वनाम के 6, सर्वनाम की संख्या है 11, तो आंसर हो जाएगा सी, निपात कितने प्रकार के होते हैं 9। नेक्स्ट, इसमें किस शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, तो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ना, अव्यय को क्या कहते हैं अभिकारी, अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं 4, 4 कौन कौन से बताओ, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक विषमाद बोधक, आंसर डी। भिकारी कितने होते हैं 4, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। नेक्स्ट, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा, वर्षा का वर्षा ही रहता है, वर्षा वर्षा ही रहता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, वर्षा और वर्षा, वर्षा को वर्षा दिया। अभी देखो नेपाल के नए PM बने, कौन बने बताओ, शेर, देखो नेपाल ऐसे लिखो, शेर को न पाल, क्योंकि खा जाएगा शेर को पालोगे तो, ट्रिक अच्छी लगी तो बताना। अभी अहमद कहाँ के बने थे, इथोपिया के बने थे, याद रखना। स्टीफन कहाँ के बने थे, ये आप बताना, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में आयोजन होगा, 2021 में क्यों नहीं हो रहा, थर्ड वेव आ सकती है कोरोना की इसीलिए, तो ये कहाँ पे होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा, याद रखना, ठीक है। लद्दाख की 42वीं रामसर साइट बनी थी, कौन सी, तसोकर झील, वो भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुल रहा है, पटना में, पटना कहाँ है, बिहार में, बिहार में क्या है, वाल्मीकि सेंचुरी है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और डॉल्फिन सेंचुरी भी कहाँ पे, वो भी बिहार में, वो भी याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका बी, इंपॉर्टेंट बनेगा वाल्मीकि सेंचुरी, ये याद रख लेना, वाल्मीकि वाला जो बताया। नेक्स्ट, बहुत पूछी जाती है, अकेली है ना इसीलिए। किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बना दिया, तो असम ने बना दिया, आंसर हो जाएगा बी। देखो उत्तर प्रदेश के भी सिद्धार्थ नगर को क्या बना था, क्या मिला था, छोड़ो दिमाग से निकल गया, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, किस IIT ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए ऐप बनाया, आलू कहाँ जाता है, मंडी में जाता है ना, तो IIT मंडी, कितना आसान है याद करना। नेक्स्ट, यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है, तो यूरो जीता किसने था पहले तो ये बताओ, ये बता देता हूँ, देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है गोल्डन बूट, सबसे टॉप पे यही चल रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के फॉलोअर हैं, तो यूरो किसने जीता था ये आप लोग बताना, ठीक है, यूरो कप मैं नहीं बताता, चलो अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, अभी एक कोपा अमेरिका हुआ था उसमें अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराया था, यूरो आप बताना कौन जीता था, क्या इटली जीता था या नहीं जीता था, इंग्लैंड को हरा के, इतना बता देना बस। चलो नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। देखो हम लोग इतने कम टाइम में कितने मिनट हुए, 14-15 मिनट हुए हैं, हिंदी कर ली, करंट अफेयर कर लिया, कि बहुत कुछ हो जाता है ये 14-15 मिनट की वीडियो में, तो प्लीज़ शेयर करके थोड़ा सपोर्ट किया करो, और प्लीज़ अपना अपनों का ध्यान रखना, कोरोना चल रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, क्योंकि तीसरी वेव आ सकती है, ठीक है, कभी भी, तो इसीलिए बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।